सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS News TV और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक करना चाहते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। एकनाथ शिंदे के नेता की अभद्र टिप्पणी, महिला पत्रकार ने लगाया आरोप। बसपा की भागीदारी से भारत बंद रहा सफल, कांग्रेस और सपा दिखी उदासीन। मायावती, सीएम सैनी के नेतृत्व में पंचकुला में मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एकनाथ शिंदे के नेता की अभद्र टिप्पणी, महिला पत्रकार ने लगाया आरोप। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया है कि कल का जमावड़ा राजनीति से प्रेरित था। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी की नेता और बदलापुर नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष वामन महात्रे ने एक महिला पत्रकार से बात करते हुए अश्लील भाषा में टिप्पणी की, जिससे लोगों में आक्रोश है। महिला पत्रकार पिछले 2-4 दिनों से इस घटना के बारे में रिपोर्ट कर रही थी। कल जब गुस्साए लोग रेलवे ट्रैक पर उतरे तो पत्रकार भी वहां पर मौजूद थी। इस दौरान शिवसेना के नेता वामन महात्रे ने उससे बात करते हुए घिनौनी टिप्पणी की। महिला पत्रकार ने दावा किया है कि उनसे बात करते हुए वामन महात्रे ने कहा कि तुम इस तरह से रिपोर्टिंग कर रही हो मानो तुम्हारा ही रेप हुआ हो। जब यह बात सामने आई तो सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। विपक्ष ने भी वामन महात्रे की भाषा और उनकी मानसिकता पर सवाल उठाते हुए सरकार पर हमला बोला। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बसपा की भागीदारी से भारत बंद रहा सफल, कांग्रेस और सपा दिखी उदासीन। मायावती, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि बसपा की भागीदारी से भारत बंद अभियान सफल रहा, लेकिन सपा और कांग्रेस इसके प्रति उदासीन रही। इनकी जनजातिवादी सोच प्रमाणित हो गई। बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के SC ST आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमिलियर के निर्णय से उत्पन्न रोष को लेकर कल हुए भारत बंद में BSP की प्रभावी भागीदारी एवं एकजुटता की अपील से इसके सफल होने के लिए सभी को बधाई, किंतु कांग्रेस सपा आदि के इसके प्रति उदासीन रवैये से उनकी जातिवादी सोच प्रमाणित हो गई। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम सैनी के नेतृत्व में पंचकुला में मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को पंचकुला भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक। मुख्यमंत्री ने बताया कि संकल्प पत्र यात्रा करने के लिए यह पहली बैठक हुई है। एक वैन के जनता के बीच रवाना किया गया है जो जनता के सुझाव लेगी। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने जनता के सभी कार्यों को पूरा करने का काम किया है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों, ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार। ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News।